तो हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर माय हर्ट। तो आज हम लोग फिर से आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ, नए अंदाज में। तो इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे फैक्टोरियल निकालेंगे किसी भी नंबर का। यूजर से कोई नंबर लेंगे और उसका फैक्टोरियल निकालेंगे। इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारा वीडियो बना कर डाला हुआ है। आप लोग इवन नंबर, फॉर लूप से टेबल, व्हाइल लूप से टेबल, डू व्हाइल से टेबल, जो भी देखना हो जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं लिंक डाल दूंगा सभी वीडियो का। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर कोडिंग में आपका भी इंटरेस्ट होगा, कोडिंग चैनल लव होगा आपको, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर से दबा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग अपना फोल्डर खोल लेते हैं कंप्यूटर में हट का। यहाँ से हम लोग फोल्डर, ये VS कोड है, यहाँ हम VS कोड में हम लोग कोडिंग करते हैं। मुझे भी अच्छा लगता है VS कोड। तो हम लोग इसके पहले हम लोगों ने ये सब बहुत सारा वीडियो बनाया था। ये मैंने केवल वीडियो बनाने के लिए ही ये फाइल बनाया। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, फैक्टोरियल डॉट सी किसे बनाएंगे, अंडरस्कोर फॉर लूप से, अंडरस्कोर लूप डॉट सी। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं इसको। तो हम लोग सी में करते हैं। तो हम पहले बता देते हैं कि फैक्टोरियल होता क्या है। फैक्टोरियल मतलब कि बहुत सारे लोग को नहीं पता होगा और बहुत सारे लोग को पता होगा। तो ये 5 का जैसे फैक्टोरियल निकालने को बोल दिया। तो 5 का फैक्टोरियल निकालना मतलब कि इसको ऐसे 5 का फैक्टोरियल निकालना मतलब कि 5 के साथ जितना इसका प्रीसीडिंग नंबर होगा उसका मल्टीप्लाई। 5 × 4 × 3 × 2 × 1 = अभी जिसका जितना मल्टीप्लाई आएगा 120, ये हो जाएगा इसका फैक्टोरियल। यानी 5 का फैक्टोरियल कितना हो गया, ये जो है फैक्टोरियल का नोटेशन, फैक्टोरियल नोटेशन ही इसको बोलते हैं। ये जो है फैक्टोरियल नोटेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो 5 का फैक्टोरियल होगा, मान लीजिए किसी भी और नंबर का निकालना हुआ तो जैसे 6 का निकालना है, तो 6 के साथ जितना भी नंबर जैसे 6 × ये सब हो गया, ये इसका फैक्टोरियल होगा। तो 6 के साथ जितना भी नंबर हो मल्टीप्लाई होगा, मतलब इसका पहले वाला जितना भी नंबर होगा उसका मल्टीप्लीकेशन ही फैक्टोरियल कहलाता है। अगर वही अभी 0 का फैक्टोरियल निकालने को बोल दिया जाए तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि 0 का तो 0 हो जाएगा। लेकिन हम लोग को पहले से ये रखा गया है कि 0 का फैक्टोरियल 1 आता है। यानी कि हम लोग को मैथ में इसको फिक्स करके रखा गया है कि 0 का फैक्टोरियल 1 आएगा। क्योंकि अगर हम लोग मान लीजिए 4 का फैक्टोरियल करते हैं, तो 4 का फैक्टोरियल अगर करेंगे तो इसके पहले 4 × 3 × 2 × 1 × 0 आएगा। तो ये सारा तो हम लोग का 0 हो जाएगा। इसलिए हम लोग का जो मैथ वाले रूल है, इसके 0 को हम लोग क्या कर दिए, वो 0 का फैक्टोरियल 1 हो गया। तो यानी कि 0 का वैल्यू हम लोग लिखना जरूरी नहीं है, तो हम ऐसे ही यहाँ 1 तक करते हैं। तो हो गया फैक्टोरियल। तो अभी हम लोग सी में कर रहे हैं, तो हम लोग हेडर फाइल डाल देते हैं कुछ जो कंपाइलर को पहले से ही पता होता है। इनपुट क्यों कर रहे हैं भाई, एच इंक्लूड स्टीडियो स्टीडियो डॉट एच, उसके बाद इसमें डालते हैं या फिर स्टीडियो डॉट एच को रहने देते हैं। उसके बाद मेन फंक्शन डाल देते हैं इंट में, या फिर वाइड मैन भी कर सकते हैं या फिर मेन भी कर सकते हैं। तो अभी हम लोग डेटा टाइप डालें क्या, इंटीजर। डेटा टाइप 3 तरह के होते हैं, इंटीजर, फ्लोट एंड कैरेक्टर। इंटीजर का मतलब निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर टुगेदर विद 0 आर कॉल्ड इंटीजर। यानी कि जितना भी निगेटिव नंबर हो गया -1, -2, -3 ये सब का किस में आ जाएगा, सब इंटीजर में ही आता है। पॉजिटिव नंबर तो आएगा ही और 0 भी आ जाता है इंटीजर। और वही पॉइंट वाला जो वैल्यू आता है वो फैक्टोरियल क्या होता है, फ्लोट में चला जाता है। यानी कि फ्लोट मतलब कि रियल वैल्यू, फ्लोट को हम लोग रियल वैल्यू। और कैरेक्टर तो आपको पता होगा कि ABCD वो सब क्या होता है, कैरेक्टर हो जाता है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, कोई नंबर के लिए n रख दिए और i
और एक f रख लेते हैं, और f का वैल्यू 1 रख दिया। ठीक है, अभी क्या होगा, प्रिंट ऑफ करते हैं या फिर केवल n का वैल्यू पहले रखते हैं, फैक्टोरियल निकालते हैं। n का वैल्यू 4 रख दिए, अब इसका फोर लूप लगाते हैं और डायरेक्ट इसका फैक्टोरियल निकाल के दिखाते हैं। आई इक्वल टू 1 से शुरू होगा और जाएगा कहाँ तक, लेस देन इक्वल टू n, यानी कि 1 से शुरू होगा और जो n का वैल्यू है वहां तक जाएगा। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे क्या, f इक्वल टू f इंटू आई, ये हो गया फार्मूला। अब इसको आउटपुट करवाने के लिए जब लगा देते हैं, फैक्टोरियल इक्वल टू परसेंट डी, यहाँ पे एक्सप्रेशन लगा देते हैं कॉमा f, और यहाँ पे आके रिटर्न 0। ये हो गया हम लोग का सिंपल सा प्रोग्राम। तो ये हम लोग का फैक्टोरियल 4 का 24 है, ये जो है ये इसके अंदर ही हुआ था, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, ये जो प्रिंट एफ है इसको केवल यहाँ से फोर लूप का ये पैरेंथेसिस है और यहाँ है, तो फोर लूप के अंदर जो जो काम हो रहा था उसके हिसाब से हम लोग का ये आउटपुट निकाल दिया। तो इसको क्या किया हम लोग का फोर लूप से बाहर कर दिए, मेन में ला दिए, तो हम लोग का केवल अभी रिजल्ट आएगा फैक्टोरियल इक्वल टू 24। अभी ये हुआ कैसे तो बता देते हैं। ठीक है, पहले हम लोग क्या किए, n का वैल्यू रख दिए 4 और i का वैल्यू तो 1 है यहाँ पे फोर लूप के अंदर। ठीक है, और f का वैल्यू यानी कि इसको पहले कमेंट करना पड़ेगा, कमेंट आपको पता होगा, नहीं पता तो बता देते हैं। इसको बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट का मतलब कि एक लाइन में हम लोग कमेंट करेंगे, यानी कि एक लाइन के अंदर जितना यहाँ तक होगा यहाँ तक ये सब सिंगल लाइन कमेंट में आएगा, यानी एक लाइन में कमेंट। और कमेंट का काम क्या है, जैसे हम लोग ये फैक्टोरियल लिखना था, ये जो अगर हम लोग रन करवाएंगे तो कंपाइलर इसको रीड नहीं करेगा, दो ये लाइन देके उसको रीड नहीं करता, इसको कमेंट समझता है, कल हम लोग को ऐसे ही समझता है फालतू बात है, इसको हम लोग को इग्नोर करता है फालतू बात को। और यहाँ पे नीचे आया, अब ये क्या है, इसको मल्टी लाइन कमेंट बोलते हैं, मल्टी लाइन कमेंट। यहाँ से यानी कि हम लोग को कितना भी लाइन इसमें लगा सकते हैं मल्टी लाइन कमेंट में। कमेंट क्या होता है, जैसे आप लोग क्लास में हम लोग फालतू बात करते थे, टीचर इग्नोर करता था, वैसे ही कंपाइलर भी फालतू बात को इग्नोर करता है, वो समझता है सब फालतू बात है, इसको इग्नोर करता है। तो हम लोग पहले यहाँ से n का वैल्यू रखे थे, n इक्वल टू 4। ठीक है, उसके बाद फिर गया i देखा, तो i अभी i का वैल्यू कुछ नहीं आई है, ठीक है। उसके बाद गया f का वैल्यू 1। ठीक है, f इक्वल टू 1, अभी करके दिखा रहे हैं। अभी फिर से नीचे गया, यहाँ से हम लोग का ये खत्म हो गया, इसके टर्मिनेटर भी बोलते हैं। ये टर्मिनेटर का काम क्या है कि जितना भी ये लाइन में जो है लिखा हुआ है वो सब यहाँ पे इसके कारण वहीं पे रुक जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा। अगर ये नहीं लगाएंगे तो एरर बताएंगे आगे वाले पे। और इसके बाद हम लोग इसके में आएंगे, फोर लूप में आएंगे। फोर लूप में क्या है, सबसे पहले आई का वैल्यू 1 है, आई का वैल्यू 1 है, यानी कि इसमें आई का वैल्यू 1 है। ठीक है, अभी क्या है, i इज लेस देन इक्वल टू n, यानी चेक करेगा जो i का वैल्यू है लेस देन इक्वल टू n है कि नहीं। तो i का वैल्यू 1 है और n का वैल्यू 4 है, तो i जो है यानी कि 1 जो है 4 से लेस देन है कि ग्रेटर देन, लेस देन है, तो ये जो कंडीशन है वो क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, i इक्वल टू i प्लस 1 कर देते हैं, तो इसको अभी इंक्रीमेंट नहीं करेगा, पहले कहाँ जाएगा, इसके नीचे आएगा, अभी वो उसका काम बाद में करता है, इसका काम बाद में करेगा। तो अभी नीचे आया, देखा कि फोर लूप का पैरेंथेसिस यहाँ से यहाँ, यानी फोर लूप का काम यहाँ से यहाँ करता है। और फोर लूप में है क्या, वैसे फोर लूप में दिया क्या है,
फॉर लूप में दिया गया है कि f इक्वल टू f इंटू i, यानी कि f इक्वल टू f इंटू i। अब ये कंपाइलर देखा, अब ये सोचा कि इसको हम लोग f इक्वल टू f इंटू i का मतलब है जो f का वैल्यू इसको निकालना। कंपाइलर यही समझा कि f का हम लोग को वैल्यू निकालना, तो उसको क्या पता है f का वैल्यू, f इक्वल टू 1 पहले से पता है, यानी कि f का वैल्यू 1 पता है, यानी f इक्वल टू 1 रख दी, ये सॉरी हाँ f इक्वल टू 1 रख दी। और उसके बाद ये मल्टीप्लाई, f मल्टीप्लाई है, इसको एस्ट्रिक्स भी बोलते हैं, और इसको हम लोग कंपाइलर इसको मल्टीप्लाई के रूप में यूज करते हैं। उसके बाद ये क्या है i, तो i का वैल्यू भी उसको पता है कि 1, यानी कि f का भी वैल्यू पता था और i का भी वैल्यू, तो ये f का वैल्यू अब निकाल दें, यानी कि अब f का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे नीचे कर देते हैं, अब f का वैल्यू वो क्या किया 2 कर दिया, यानी कि कंपाइलर यहाँ से हम लोग का f का वैल्यू, ये वाला f का वैल्यू निकाल दिया। अब फिर आगे जाएगा तो यहाँ से हम लोग का फॉर लूप खत्म हुआ, ठीक है। यहाँ पे फिर नीचे जाएगा, देखा कि प्रिंट एफ, प्रिंट एफ का काम क्या है, हम लोग का कोई भी इनपुट को आउटपुट में दिखाने, यानी कि हम लोग ये प्रिंट एफ के अंदर जो जो इनपुट लिखे हैं उसको हम लोग रन करवाएंगे, तो उसको आउटपुट दिखाने के लिए प्रिंट एफ का यूज किया जाता है। तो ये हम लोग का प्रिंट एफ के अंदर देखा कि ये परसेंट डी, अब ये परसेंट डी हम लोग को किसके लिए है, ये एफ के लिए, अगर कुछ दूसरा लगाते तो वो उसके लिए हो जाता, अगर हम लोग एफ की जगह आई रखते तो वो परसेंट डी किसके लिए हो जाता, आई के लिए, लेकिन हम लोग को तो काम है एफ के लिए, क्योंकि फार्मूला लगाए एफ के लिए, यहाँ पे आई का तो फार्मूला कोई नहीं लगाया, तो इसलिए हम लोग एफ लगाए यहाँ पे। तो फैक्टोरियल इक्वल टू परसेंट डी, यानी परसेंट डी यहाँ पे आया, तो परसेंट डी मतलब क्या, एफ का वैल्यू यहाँ पे आउटपुट देता है, एफ इक्वल फैक्टोरियल इक्वल टू, फैक्टोरियल इक्वल टू परसेंट डी, और परसेंट डी में क्या है एफ, एफ का वैल्यू, एफ का वैल्यू अभी निकाले हैं 2, यानी कि पहले 1 था, अभी कितना, पहले तो 1 हुआ था, सॉरी 1 पहले प्रिंट करेंगे, और उसके बाद फिर फैक्टोरियल का वैल्यू, फैक्टोरियल का वैल्यू कितना प्रिंट करेंगे 2, ठीक है 2 प्रिंट किए, फैक्टोरियल का वैल्यू 2 हो गया, फैक्टोरियल का वैल्यू अब 2 हो गया। और इसको दिखाना है तो इसको हम लोग ऊपर कर देंगे तो आसानी से पता चल जाएगा, इसको रन करवाते हैं, तो ये पहले 1 हुआ, फिर 1 ही कर दिया क्योंकि हम लोग ऊपर कर दिए थे फार्मूला, फैक्टोरियल यहाँ पे फार्मूला काम नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये फार्मूला हम लोग का बाद में है, पहले प्रिंट एफ आ गया था इसलिए फार्मूला काम नहीं, इसलिए हम लोग का 1 ही प्रिंट करना है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको नीचे करके अब देखिए 1, फिर फार्मूला का रन 2 हो गया, फिर फार्मूला का रन 6 हो गया, उसके बाद हम लोग का ये फाइनल आउटपुट देख लिया 24। ये फैक्टोरियल 2 हो गया, उसके बाद फिर से ये फैक्टोरियल, तो अभी उसका रिटर्न देखा कि यहाँ पर हम लोग का प्रोग्राम खत्म हुआ, लेकिन अभी फिर से क्या हुआ, अभी फिर से ये इंक्रीमेंट वाला ये ऑप्शन था, अब इसके कारण क्या करेगा, आई का वैल्यू आई इक्वल टू आई प्लस 1 करेगा, यानी कि आई इक्वल टू आई, यानी आई 1 है प्लस 1 करेगा, आई का वैल्यू 2 हो जाएगा, आई का वैल्यू हो गया 2, अब आई का वैल्यू कितना हो गया 2। अब फिर ये एन में कंडीशन चेक करेगा, आई का वैल्यू जो है, एन का वैल्यू तो 4 है, n का वैल्यू है 4, कंडीशन चेक करेगा यहाँ पे i लेस देन इक्वल टू n, कंडीशन है ट्रू, क्योंकि 2 जो है 4 से छोटा है तो कंडीशन ट्रू है, तो f इक्वल टू f इंटू i, यानी कि फिर नीचे गया, कंडीशन ट्रू था तभी इसमें आएगा, ये फॉर लूप के अंदर काम वाला जो है इसमें आएगा, तो f इक्वल टू f इंटू i, यानी कि f इक्वल टू f इंटू i किया, तभी कंपाइलर फिर से क्या सोचेगा, एफ इक्वल टू, वो पीछे का जो काम हो रहा है वो सब भूलता जा रहा है, उसको प्रिंट करके सब कर दिया, उसके बाद दिमाग ने कि अभी तो किए थे कि एफ का वैल्यू अभी निकाले, वो सब भूल जाता है, तो
तो f का वैल्यू फिर से निकालेगा। अब f का वैल्यू लेकिन उसको याद रहेगा कि अब f का वैल्यू कितना आया, 2 आया, ये याद रहेगा उसको। ये नहीं सोचेगा कि हम लोग अभी निकाले थे और वो इतना सोचता भी नहीं, शायद दिमाग होगा तभी तो सोचेगा। f इक्वल टू f इंटू आई, यानी कि f का i का वैल्यू अभी कितना हो गया, 2। अभी i का वैल्यू यहाँ पे 2 आया, 2 जा 4। अभी हम लोग का f का वैल्यू कितना आ गया, 4। क्या ये सही है? ठीक है, f का वैल्यू, ओहो यहाँ पे हम गड़बड़ कर दिए, सॉरी गाइस, 1 इंटू करना था, हम प्लस कर दिए 1 इंटू 1, वही तो सोचिए कि यहाँ पे गड़बड़। f इक्वल टू, ठीक है, 1 2, ओहो यहाँ पे 1 आया, फिर अभी फैक्टोरियल का वैल्यू 1 ही आया, यहाँ पे ये नहीं आएगा, सॉरी फैक्टोरियल का वैल्यू पहले 1 आया, फिर इंक्रीमेंट किया और फैक्टोरियल का वैल्यू कितना आएगा, फैक्टोरियल का वैल्यू अब 2 आया, उस समय हम थोड़ा गलती कर गए। अभी क्या हुआ, ये यहाँ से सही हो गया, तो ऊपर गया, फिर से फैक्टोरियल का वैल्यू प्रिंट करने के कारण आउटपुट रिजल्ट दे दिया। अब फिर से क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, यानी कि आई इक्वल टू आई प्लस 1, यानी कि आई इक्वल टू आई का वैल्यू कितना है, आई का वैल्यू अभी 2 निकाला था, प्लस 1 करेगा, यानी आई का वैल्यू अभी 3। फिर से अभी इसमें ऊपर जाके इसमें कंडीशन चेक करेगा, फिर से हम लोग क्या हुआ, ट्रू, क्योंकि हम लोग का n का वैल्यू 4 है और i का वैल्यू कितना है, 3। कंडीशन फिर से ट्रू, फिर से नीचे आया, फिर से फार्मूला देखा, f इक्वल टू f, f इक्वल टू f इंटू i, यानी कि f का वैल्यू फिर से निकालेगा, ये भी सोच रहा होगा कितना हम लोग को वैल्यू निकालना, यानी कि f का वैल्यू फिर से निकाला, f का वैल्यू 2 इंटू आई, आई का वैल्यू 3। अब कितना हो जाएगा, f का वैल्यू 6, f का वैल्यू अब कितना हो गया, 6। अभी आउटपुट के लिए ये है प्रिंट f फैक्टोरियल इक्वल टू परसेंट है, फैक्टोरियल इक्वल टू परसेंट, यानी कि 6, फैक्टोरियल इक्वल टू परसेंट 6, फैक्टोरियल का वैल्यू कितना हो गया, 6। फिर से यहाँ पे क्या है, i का वैल्यू i इक्वल टू i प्लस 1, यानी फिर से कंडीशन चेक किया, i इक्वल टू i प्लस 1, यानी कि i इक्वल टू, अब i का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आया था, 3 आया था ना, 3 और प्लस 1, अब i का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4, यानी i का वैल्यू 4 आ गया। अब i का वैल्यू 4 आ गया, f का वैल्यू हम लोग का कितना है, 6, f इक्वल टू 6, i का वैल्यू 4 एंड f का वैल्यू 6, तो फिर से नीचे गया, f इक्वल टू f इंटू आई किया, f इक्वल टू f इंटू आई किया, तो f इक्वल टू f यानी कि 6 इंटू आई, आई का वैल्यू, आई का वैल्यू कितना आया था, 4, यानी कि कितना है, 24। और यही यहाँ पे हम लोग को आउटपुट प्रिंट एफ से आउटपुट करवा कर दे देंगे, ठीक है। तो i इक्वल टू फिर से इंक्रीमेंट करने अगर जाएगा करने, तो i इक्वल टू i प्लस 1, i इक्वल टू i प्लस 1, यानी कि i इक्वल टू i का वैल्यू 4 आया था, प्लस 1 किया, i का वैल्यू 5 आया, लेकिन अब क्या होगा, 5 जैसे ही आया यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, i लेस देन इक्वल टू n, तो n का वैल्यू कितना था, 4, और i का वैल्यू आ गया 5, तो अभी हम लोग का कंडीशन फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया तो आगे जाएगा ही नहीं, इसमें जाएगा ही नहीं, तो हम लोग का प्रोग्राम यहीं पे रुक गया, तो हम लोग का बस 5 तक यहाँ पे प्रिंट करके दे देंगे, सॉरी 24 तक प्रिंट करके दे देंगे, ठीक है, यहाँ से प्रिंट करके दे दिया। उसके बाद प्रिंट अप किए, ये हम लोग क्या करेंगे, अभी यूजर से कोई भी इनपुट लेंगे और उसको आउटपुट करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, इंटर
the any number for table. Enter the any number for table and user's input language और उसको सॉरी टेबल बोल दिया फैक्टोरियल कर रहा है ना फैक्टोरियल एंटर दिया नहीं नंबर फोर फैक्टोरियल अब इसको क्या किए परसेंट डी और स्टोर कहाँ होगा एन स्कैनफ का काम क्या है ये जो है केवल आउटपुट के लिए है और ये स्कैनफ का काम क्या है हम लोग को कोई भी यूजर से इनपुट लेने के लिए यानी कि स्कैनफ डालेंगे तभी हम लोग को कोई यूजर इनपुट करेंगे और ये जो है एम एम परसेंट बोलते हैं इसको ये बोल है एम परसेंट यहाँ से अब एन का वैल्यू हटा देते हैं क्योंकि हम लोगों को यूजर से अब इनपुट लेना है तो यूजर से इनपुट लेंगे और ये यहाँ पे स्टोर करें एम एन में स्टोर हो जाएगा सॉरी लेके नहीं करना तो इंटर दिए नहीं नंबर पर फैक्टोरियल अगर 5 डालेंगे तो इतना हम लोग का 120 आएगा रिजल्ट अब वो सब प्रोसेस करके दिखा रहा है इसका केवल बाहर कर देना है तो रिजल्ट चाहिए तो ऐड करेंगे तो ऐड का वैल्यू दिखा देगा इतना वही 4 करते हैं 4 करते हैं तो 4 का वैल्यू 24 तो बस फैक्टोरियल यही था आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद बाय 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 फ्रेंड्स प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खाली है आप लोग उसमें पूछ सकते हैं कोई भी कुछ भी डाउट हो और नेक्स्ट वीडियो के लिए भी कुछ हम लोग हमको दे सकते हैं नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं मैं वो आप लोग के लिए नेक्स्ट वीडियो ला दूँगा ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय।